हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्वेल फैमिली। मैं हूं रुमा। आज हलो सोमवार। सोमवार तो अभी बाजे बहुत टाइम हो गया, 2:30 बजने को आया। अभी जस्ट काम करके ना के सब हुआ। क्यों इतना लेट हुआ वो भी आप लोग को सब बताऊंगी। इतना थक गई ना, पूरा सुबह से काम करके करके बहुत थक गई। कल तो एक एकादशी था, कुछ साफ सफाई जितना थोड़ा बहुत बाकी था वो करने को हुआ नहीं। और पहले बोली आप लोग कैसा हैं। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स अच्छी होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, लेकिन काम करके थोड़ा थक गई, वही है, बाकी अच्छी हूँ। और क्यों इतना लेट हो गया, साफ सफाई कर रही हूँ वो तो आप लोग को बताऊँगी। आज हम लोग को नाग का पूजा का जो खाना बनाने का पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, वही अभी खाना बनाने के लिए पूरा एकदम पूरा डीप क्लीन साफ सफाई करना पड़ता है। क्योंकि अभी ये जो नाग का पूजा है बहुत एकदम मन के अच्छा से करना पड़ता है, ऐसा कुछ भी मनमर्जी नहीं चलता है अपना, तो एकदम पूरा जितना घर का जितना सब कुछ है पूरा क्लीन करना पड़ता है, एक भी इतना सा भी चीज़ नहीं छोड़ने का। ऐसा है गांव में तो और भी बहुत कुछ करता है, हम लोग को इधर जितना होता है उतना करती हूँ। अभी एक हफ्ता से पूरा साफ सफाई चल रहा है, आज ख़त्म हुआ बोलेगा तो पूरा ख़त्म किया। आज तो शाम को खाना बनाना है, कल सब दोपहर को खाना खाने के लिए सबको बुलाई, जो जो आते हैं रिहर्सल उन लोग को खाना खाने के लिए बुलाई। तो पिछले वीडियो में भी मेरा देखा है गया साल में, तो कैसा मैं खाना बनाई, कैसा क्या तैयारी किया, आज भी ऐसा ही सेम टू सेम पूरा तैयारी करना पड़ेगा। अभी मेरा देवरानी सास सब आएगी और पूरा देखो पूरा रूम पूरा क्लीन किया। ये तो हो गया बाहर का खिड़की सब कुछ, अभी इधर का भी पूरा क्लीन किया, सब कुछ हो गया। अभी बाहर देखो ये जो कंटेनर है इसको धो के सुखाने के लिए राखी बाहर, ये सब फिटिंग करके लगाना है सब कुछ। अभी किचन देखो पूरा धो के एकदम क्लीन करके रखी। अभी जितना बर्तन आज के लिए चाहिए वो सब धोला था, फिर भी एक बार धोना पड़ता है, वो सब धोई। ऐसा भी बॉटल गिटल पूरा आज धोना पड़ता है, ऐसा है कुछ भी चीज़ ऐसा छोड़ने का नहीं। पूरा मेरा किचन का शाम के लिए पूरा तैयारी करके रखी, क्लीन करके, खाली भाजी काटने का और खाना बनाने का। बाहर का जो काटने वाला वो भी धो के रखी। अभी इधर देखो क्या क्या सब्जी है, भिंडी इधर नीचे भी है, ये देखो अभी और भी सब्जी फ्रिज में है, ये देखो करेला है इधर, कच्चा केला, ये बड़ा वाला तुरिया, इसमें भी भिंडी, दो नारियल और कुछ जो कुछ भी सब्जी है सब फ्रिज में रखी है। अभी शाम को जब भी काटने का है तभी निकालेगी, नहीं तो ख़राब हो जाता है। लेके पूरा हॉल में पूरा सब कुछ क्लीन करके हो गया, खाली खाना बनाने के लिए इंतज़ार में है। तो मेरा हस्बैंड भी जल्दी जल्दी ऑफिस से आ जाएगा, तो मदद करेगा तो ही होएगा, मेरे को अकेले से इतना नहीं होता है। बड़ा बड़ा टोप ऐसा चावल बनाने का है, और पायल देखो उधर बैठी है खाना खाने के लिए, वो भी अभी थोड़ा टाइम पहला ही नहाई, नहा के पूजा किया, तो पूजा भी आज लेट हो गया। सब करते करते पहला नहाने का बाद ऐसा कुछ दूसरा कुछ काम करने को नहीं होता है, क्योंकि खाना बनाने का पहला फिर से नहाना पड़ेगा, इसके लिए एकदम सब पूरा करके बाद में नहाई। अभी क्या दूसरा कुछ करने का इतना ज़रूरत नहीं है, खाली थोड़ा टाइम बैठेगी और थोड़ा चाय पिएगी और भाजी काटने को शुरू करेगी। क्या क्या बनाना है, क्या क्या बनाएगी वो सब आप लोग को दिखाऊंगी, शेयर करूंगी। पायल अभी कितना बजे मालूम है, 4:15, 4:15 हो गया, अभी खाना बना रही हूँ, खाना खा रही हूँ, पायल खा रही है, मैं भी खाना खाने के लिए बैठेगी अभी। तो चलिए अभी भूख बहुत लगा है, बहुत मेहनत हो गया सुबह से, काम हो गया, अभी खाना खाने का है। आज चावल नहीं बनाई क्योंकि चावल खाने का बाद फिर से नाना पड़ेगा, इसके लिए चावल भी नहीं बनाई, चपाती बनाई। सुबह का सफ़ेद बटाना का सब्जी है उसमें ही खा रही हूँ, सुबह तो एक बार कुरमुरा खाई है नाश्ता में, अभी चपाती बना के रखी, तो दोनों जन खाऊंगी। और रूपम तो खा के क्लासेस चला गया, कल इतना बारिश है, बारिश में पूरा मेरा हस्बैंड सुबह सुबह जाके भाजी लेके आया मालूम है कल, क्योंकि आज तो कुछ भाजी मिलेगा नहीं, भाजी वाला को भी पता है सब, आज का दिन सब भाजी लेके जाता है, तो शाम को तो मिलेगा ही नहीं, और सुबह तो मेरा हस्बैंड ऑफिस में जाएगा वो भी मिलेगा नहीं,
इसके लिए काली इतना सुबह सुबह जाके सब सब्जी लेके आया मार्केट से, लेकिन बहुत बारिश हुआ था, बारिश का वजह से जैसा मिला वैसा लेके आया। तो चलिए पहला खाना खा लेती हूँ, फिर बाद में आप लोग का साथ बात करती हूँ। काका बेची गुलो मन पीसी पीसी मोनी बस पीसी मोनी हम आते बस को पता है पीसी मोनी इसके घर से कहाँ पर है वो बरबर वहाँ पे जाके वो पहले देखती है। कौन है इसमें हाँ बाबू थक ना आराम से आसुक ना भाई नहीं देखो कुकिंग वाला मेरा हस्बैंड, और देखो अभी हो रहा है भोबला फ्राई, दोनों गैस चालू है तो दोनों में भोबला फ्राई हो रहा है। इधर थोड़ा सा फ्राई करके रखा है, अभी इधर बड़ा वाला जो तुरिया आता है उसका भी फ्राई करने का बाकी है, ब्रिंजल फ्राई करने का बाकी है, और इधर ये देखो फ्राई करके रखा है, बटाटा फ्राई हो गया, केला हो गया, परवल हो गया, इधर दाल बना के हो गया, अभी भी भिंडी करोला और नारियल फ्राई करने का बाकी है, इधर चावल नीचे का टोब में है वो दाल दोनों में हो गया बना के। अभी मैं बनाऊंगी सूरन का पकोड़ा के लिए उसमें आटा चावल का आटा और नमक गुड़ डाल के उसको अभी मिक्स करूंगी। दोस्ता सात बजे से चालू किया, अभी 10 बज गया, अभी भी बहुत सारा कुछ बाकी है, 3 घंटा हो गया बना के, सब लोग आ भी गया और बहुत अच्छा लग रहा है। आज का इतना सारा खाना बना रही हूँ भगवान के लिए, बाद में निवेदन करना है करके फिर सबको प्रसाद देना है। तो आप लोग को कैसा लग रहा है आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बोलना। Where's dal? ये देखो बीच खान থেকে ঘোরা ফেরা করছে। যিনি এত রান্না করলেন সে না এখন খাচ্ছে। बहुत टेस्टी बना, बिना टेस्टी बोलने का जैसे नहीं है।